सो मिस पाई दी कॉल ऑप्शन ली है। सो इस ट्रेड दे विच आपां एंड ते देखांगे कि आपां एंटर होई क्यों। सो जदों भी किसी ट्रेड दे विच तुसी जांदे हो सब तो पहली चीज़ तुहानूं इह पता होना चाहिए कि तुसी एंटर हो क्यों रहे हो, उहदा कारण की है, की कोई स्ट्रैटजी है जिहड़ी तुहानूं कह रही है, जिहड़ी कॉन्फिडेंस दे रही है कि हाँ जी ये ट्रेड वधिया तुसी इस दे विच एंटर हो। या कई वारी आपां सुणदे हां बहुत सारे जदों मैं ट्रेडरस नाल गल करदा कि उह कहिंदे कि मैनूं इत्थे लगता मैं तो एंटर होया कि मैनू लगता है उपर नू जाऊगा जां मैनू लगता है स्टॉक थले नू जाऊगा, पर कि अपने लगन दे नाल स्टॉक मार्केट ने मूव होना कि जो तुहानू लगता उदा होवे, आंसर आ नहीं। सो स्टॉक मार्केट दे विच उही होना जो स्ट्रैटजी दे नाल चल रहा, चार्ट्स दे उपर चल रहा या न्यूज़ दे नाल चल रहा। सो इसलिए तुहानू कारण पता होना चाहिए आ। तो जदों भी तुसी किसी ट्रेड दे विच एंटर हो गए हो, जे स्टॉक थोड़ा बहुत उपर थले जा रहा जिदा हुण ट्रेड नैगेटिव दे विच गई फिर पॉजिटिव दे विच आ रही है, उत्थे राइट वे पैनिक नहीं होना जे नैगेटिव दे विच आ। उत्थे तुसी ये देखना कि जिहड़ी मैं स्ट्रैटजी करके एंटर होया सी कि उह स्टिल वैलिड आ, कि उह स्टिल सही चल रही है, मैं कोई गलती तो नहीं की। जे तुहानू लगता कि हाँ मैं इत्थे यार गलती की है, फिर जे घाटा पै रहा तो जल्दी बाहर आ जाओ। पर जे तुहानू लगता कि नहीं मैं कुछ गलती नहीं की, मेरी स्ट्रैटजी सही आ, चलो फिर आपां वेट करते हैं कि हाँ जी जदों स्टॉक उस साइड नू मूव करता जिधर नू तुसी ट्रेड लई है, हो सकता कॉल ऑप्शन होवे या हो सकता तुसी स्टॉक बाय किए हो तो आप वेट करिए उपर नू जाण दी, ते हो सकता आपां स्पुट लई होवे ते आपां वेट करिए स्टॉक नू थले नू जाण दी या शॉर्ट किए हो। सो इस ट्रेड दे विच आपां देखदे हां की हुंदा। सो स्टॉक थिल उपर थले जा रहा, सो आपां कह सकते हैं कि एज दे उपर आ। सो आपां वेट करनी आ कि अपनी स्ट्रैटजी सही आ, ते हुण देखदे हां उपर नू कदों जांदा ते उत्थे आपां एग्जिट कर सकते हैं। ते नाल दी नाल जे स्टॉक उपर नू काफ़ी वधिया मूव कर लग गया फिर ही थोड़ा बहुत जिहड़ा अपना स्टॉप लॉस आ उपर करो, जिथे तुहानू लगता कि हाँ स्टॉक हुण काफ़ी वधिया मूव कर लग गया उपर नू, मैं काफ़ी प्रॉफिट दे विच आं ते इह जिहड़ा प्रॉफिट आ मैं एक गिव अप नहीं करना चाहुंदा। सो स्टिल इस जगह ते मैं अपने स्टॉप लॉस नू मूव नहीं करूँगा क्योंकि जिहड़ा स्टॉक आ उह जिथे मैं बाय कीता उह ग्रीन एरिया जे तुसीं देखदे हो उहदे बिल्कुल नेड़े आ, सो उपर थले जा रहा। सो लुक्स लाइक इट इज़ गोइंग टू मेक मूव अप, सो वेट करते हैं। सो इतने आपको की पता लगता जो विक थले वड्डी बनती है कि बायरस का प्रैशर पै रहा, बायरस आ रहे हैं स्टॉक के जंप इन कर रहे हैं। सो स्टिल बायर का प्रैशर हैगा, सो इट इज स्टार्टड गोइंग अप, लैट सी वट हैपनस। ਸੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ, ਸੋ ਵਿਲ ਹੈਵ ਗੱਟ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਆਊਟ ਵਿਦ 700 ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਾਈ ਦੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅੱਪ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਅੱਪ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਪ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾ।